सुनिए सुनिए भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी सुनिए। भाभी कौन? मेरा नाम वसुंधरा है। नहीं, आपका नाम वसुंधरा नहीं है। तुम कौन हो? आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। वो कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में देखा था आपको। हेलो, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? आप बहुत सुंदर है, आपकी सादगी, सुंदरता, आप तो एकदम प्रीति जिंटा लगती है। होश में तो हो? अरे आपको देखने के बाद भला कोई होश में रह सकता है जो मैं रहूंगा? पागल हो क्या तुम? अरे सुनिए, मेरी बात को समझिए, मैं अपने बड़े भाई के लिए लड़की की तलाश कर रहा हूँ। आपको देखने के बाद मेरी तलाश पूरी हो गई। ये बताओ, अपने भैया के लिए तुम क्यों रिश्ता ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है? है क्यों नहीं, पर अच्छे काम के लिए बड़ा क्या और छोटा क्या? आप हाँ तो कहिए, बड़े भैया को मैं यूँ मना लूंगा। अरे मैं क्यों राजी हो जाऊँ? आप नहीं जानते हमारे भैया कितने अच्छे हैं, वो हमारी जिंदगी है, आप उनकी जिंदगी बन जाइए। यूँ ही तुमसे बात करती रही तो लगता है मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। ये लो प्रसाद और घर जाओ। अरे कब तक राजी होंगी आप? मैं ही क्यों? अरे भैया की शादी का मुहूर्त भी देखना है, तैयारियां भी करनी है। किसी और को देख लो। अरे हाँ कर दीजिए ना। अरे प्लीज भाभी। सत्या, बिग ब्रदर मैरिज फिक्सिंग करने के लिए एक लड़की घूम रहा है। अरे पगली, घूम रहे नहीं ढूंढ रहे हैं। राइट राइट राइट, ढूंढ रहे हैं। तुम कब आई? मैं तो कल ही आई हूँ। ठीक है, पर आने के बाद एक फोन भी नहीं किया। अपनी पुरानी सहेली से मिलने तो मैं खुद ही आ गई हूँ ना यार। It's all right. Meet my best friend Shri. Hi, how are you? I'm fine. You come to meet your old friend? Yes. Okay, friend. यानी तुमको इतना अवमान है? What? श्री, अवमान नहीं, अभिमान कहते हैं। Sorry वसु, श्री को हिंदी बिल्कुल नहीं आती। No, 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 no. हिंदी मुझको जाती है। Oh my God. अब जानता नहीं आप उनका नाम दस्त है क्या? अब सामने तेरे जात को बैला मारो। अब सामने अब क्या छुपा बैठे रहा? वो देखो उस लड़की की वजह से सत्या ने मुझे मारा। अब तो पहले उसी को पकड़ लो। अपने आप आएगा इधर, चलो। ओके फ्रेंड, ओके ओके। अरे ये क्या कर रहा है? अरे छोड़ो उसे, लीव मी अलोन, छोड़ो उसे। अरे क्या रे छोकरी, मेरे भाई ने तेरे को जरा सा छेड़ क्या दिया? तूने तो कुंग फू चालू कर दिया। अब कर, अब मेरा भाई सबके सामने तेरे कपड़े फाड़ेगा और उसके बाद तू चुप होगा। What is this nonsense? अयो, अरे ये तो इंग्लिश में बात करती है ना? अरे तुझे बाद में देखूंगा बच्चा लौट। अब तू तरह खड़ा होके देख क्या रहा है? पागल हो गया क्या? चल उसको मारा, मार तो नहीं है क्या तू? कोई शक? छोड़ उसको। रुक, क्या रहे? देख क्या रहे हो? खींच के ले आओ। सुनिए, लड़कियों को परेशान करना अच्छी बात नहीं, जाइए यहाँ से। ए विलेज, ये तेरा गांव नहीं है कि जो कहेगा वो सुन लेंगे, शहर है, निकल यहाँ से। Oh!
हुआ सर। नाइस मैन। क्या बात है सर, आपने अकेले इतने लोगों को मारा? मैंने क्या किया सर, मुझे क्यों मारा? कुछ नहीं किया इसलिए मारा, चंद लोग मिलकर एक लड़की को बेइज्जत कर रहे थे और तुम लोग खड़े तमाशा देखते रहे। तुम लोगों में से कोई एक भी आगे नहीं आया, यानी किताबें छोड़कर तलवार पकड़ ले। अगर तुम में शर्म होती तो खड़े होकर तमाशा नहीं देखते, और मेरी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया? अरे तुम लोग इस देश का भविष्य हो, तुम लोग एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पाए तो तुम लोग देश की इज्जत क्या खाक बचाओगे? छे भैया, क्या हुआ? छोड़ो वो सब, बाद में बताऊंगा, चलो। सुनिए भाभी, इन्हीं के बारे में बताया था, ये मेरे भैया। ओ गॉड, अरे रे 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 रे, क्या कमाल की चमक है बाप, सब भगवान की कृपा है। भिड़ू, अपन ने कितने टकले देखे लेकिन तेरा ऐसा टकला नहीं देखा। तेरा टकला देखकर अपन को टेंशन हो रहा है। अपन ने तो मजाक में मारा लेकिन तूने तो इसे सीरियसली ले लिया बाप। छोटे से मजाक की अपन को इतनी बड़ी सजा। भिड़ू, यही है मेरी कमजोरी, हाथ से सर का क्या कनेक्शन है ये मैं भी नहीं जानता, मगर कोई मेरे सर पे हाथ रख दे मुझे गुस्सा आ जाता है। भिड़ू, ये वीकनेस आगे चलकर तुझे बहुत नुकसान करेगी। आगे क्या होने वाला है भगवान ही जाने। मैं अपनी शादी के लिए कुछ दिन पहले लड़की के पास रिश्ते के लिए गया था। लड़की को मैंने प्यार भरी नजरों से देखा, मुझे देखकर शर्मा गई और मैंने उसके आगे अपना सर झुकाया। मेरा टकला देखकर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। और सर, जब भी कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मुझे वो बात याद आती है सर, और मैं तब से कुंवारा हूँ सर, कुंवारा फिर रहा हूँ सर। क्या करूँ सर, मैं कुंवारा। तू की बतो बाप, मजाक में भी मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, टच भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। चल बड़े भैया आ रहे हैं, चल चल काम कर अपना। अरे क्या भैया, आप जब भी आते हैं जल्दी में रहते हैं, कम से कम एक दिन तो रुकिए। नहर के प्रोजेक्ट के बारे में कलेक्टर से बात करने आया था, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो गांव में सब काम कौन देखेगा? हाँ, तेरे कंप्यूटर कोर्स का क्या हुआ? खत्म होने वाला है भैया, मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बिजनेस? क्या तेरी सारी पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए है? अगर पढ़ लिख कर सभी लोग शहर में रहेंगे तो फिर गाँव का क्या होगा? तेरी पढ़ाई हमारे गाँव के काम आनी चाहिए, समझे ना? ठीक है भैया, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ये क्या भैया? ये तावीज है, इसे मंदिर के पुजारी ने पूजा करके दिया है, इसे बांधने से तेरा बुरा नहीं होगा। और सुनो, अपना ख्याल रखना, खाना समय पर खाना, रात भर जागना नहीं, और सोने से पहले शिवजी को याद करना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? स्कूल में था तब भी आप यही कहते थे, कॉलेज में था तब भी यही कहते थे, और आज भी आप यही कह रहे हैं। मैं अब बच्चा नहीं रहा भैया। बड़ों के लिए छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं। ले ये रख ले। हे, गाड़ी रोको। ए, क्या हुआ? दीदी, ये वही है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो देखो। ए, गांव जल्दी आना। ठीक है भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भैया। चलो चलकर उनसे मिल आते हैं। कोई जरूरत नहीं, जो तुम समझ रही हो वो इतना महान नहीं है। वो तुम्हारा सूर्य पंडित, मेरे पति का छोटा भाई। मेरी शादी होने के बाद हम दोनों उनके गांव गए थे। उस घर में हमारा बहुत अपमान हुआ, हम लोगों को इंसानों की तरह नहीं देखते थे। इस तकलीफ से मेरे पति ने शराब पीकर जान दे दी। जायदाद में आधा हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए मेरी 6 महीने की बेटी को भी मेरे हाथों से छीन कर ले गए और मुझे घर से निकाल दिया सूर्य पंडित ने। इतना अन्याय तुमने कैसे सहन कर लिया? ये कैसा न्याय है कि एक बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया गया? दीदी, तुमने कानून की भी कोई मदद नहीं ली? उस गांव में जो सूर्य पंडित कहता है वही होता है, कोई उसकी बात नहीं टालता, वहाँ उसी का राज चलता है। तब से लेकर आज तक मैं अपनी मासूम बेटी को मिलने के लिए दिन रात तरसती हूँ।